मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस को, है ना। टेंस तो वैसे अपन ने पढ़ लिए हैं, लेकिन अब प्रेजेंट टेंस को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आई एम श्रीमती पुष्पलता चौधरी, एज यूजुअल आप रोज देखते हो मुझे। अब हम आज एक नए तरीके से पहले तो पहचानेंगे कि प्रेजेंट टेंस आखिर है क्या, कौन सी वर्ब काम करती है, क्यों काम करती है, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, क्यों एस लगाया जाता है, क्यों ई एस लगाया जाता है, इस पर पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी हैव टू स्टार्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस। नाम से ही समझ में आता है कि बिल्कुल टोटली टोटल सिंपल है, लेकिन उसको हम इतनी जगह यूज करते हैं कि बच्चे स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं कि वो आखिर कहाँ कहाँ लगता है। कई बार होता है ना कि अगर तुम आओ तो मैं आऊंगा, ये हो गया, वहां लग जाता है। भैया सन तो रोज उगता है, तो रोज उगता है तो जो काम हम रोज करते हैं वहां पे भी बोलते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसको रोज ही के लिए हमेशा के लिए क्यों ऐसा बोला जाता है। तो चलिए आज हम सीखते हैं उसी चीज को, है ना। देखते हैं द सिंपल टेंस इज यूज्ड। यूज्ड क्या करना है, कैसे किया जाता है इसका यूज, है ना। टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन, जो भी एक्शन हम करते हैं टोटली करते हैं हैबिट में हमारा भी, ठीक है मैं जल्दी उठ जाती हूँ भाई, मैं रोज उठ जाती हूँ, वो रोज खेलता है, वो रोज रोती है, वो रोज हंसती है, वो रोज शैतानी करती है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, करती करती करते का सेंस है, तो इसको तो ज्यादातर हम टाइम पढ़ते ही पढ़ते हैं ना। तो इट मीन्स कि जब हम यूजुअली जो हरकत करते हैं, हैबिचुअल एक्टिविटी होती है वहां पे हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देखेंगे, उसके पहले जानने के पहले अपन देख लें, अक्सर हम इन सब्जेक्ट के साथ में काम करते हैं, जैसे मैं अकेली हूँ तो मेरे साथ काम करूंगी, तुम सामने वाले हो तो तुम्हारे साथ बात की जाएगी। तो सेंटेंस बनने के लिए तो क्या सब्जेक्ट बहुत जरूरी है। अब सब्जेक्ट होता क्या है, जिसके बारे में बताया जाता है, मेरे बारे में बताया जा सकता है, तुम्हारे बारे में बताया जा सकता है, यू, उन सब के बारे में बताया जा सकता है, दे, मुझे इंक्लूड कर लिया है तो हम सबके बारे में बताया जा सकता है। तो ये तो आपका प्लूरल हो गया। इसमें एक्सेप्शन होता है कि आई भले मैं अकेले के बारे में बात करती हूँ, लेकिन फिर भी वो सिंगुलर में लेके जाते हैं ना, प्लूरल में लेके आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि वो अकेला एक लड़का है उसके लिए बात करते हैं, वो अकेली एक लड़की है उसके लिए बात करते हैं, कोई एक प्लांट है, कोई एक एनिमल है, कोई नॉन लिविंग थिंग्स है उसके लिए बात करते हैं, और कोई एक पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है, कोई लड़की हो सकती है, उनका नाम हो सकता है ही, शी, इट और रिया, है ना। तो ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं और ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। ये आपको थोड़ा सा नॉलेज में दे देती हूँ। अब आपको मैंने बताया कि कोई भी सेंटेंस, वैसे तो जब इसमें लगा सेंटेंस पढ़ेंगे तभी अपने को समझ में आएगा, तो कोई भी सेंटेंस लिखने के लिए क्या क्या जरूरी है आपके पास, सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसा ये है आपका, है ना, फिर आपके पास वर्ब होना चाहिए। अब चूंकि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करते हैं। पहली बार सब्जेक्ट को जान लो, आई, यू, दे, वी, ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अनुसार हमेशा वर्ब के, वर्ब वो लगती है, अगर वर्ब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी आपके पास सिंगुलर लगेगी, और यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो सब्जेक्ट वर्ब भी आपके पास प्लूरल लगेगी। अब पहले तो थोड़ा सा वर्ब पे ध्यान देंगे। अब ये वर्ब कैसी होती, वर्ब की हमने पांच फॉर्म पढ़ा चुके हैं, है ना, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। इसीलिए वर्ब को पहले पढ़ना बहुत जरूरी है। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा प्ले, तो प्ले यानी क्या होता है, खेलो, है ना, खेलो एक वर्ब हो गई। लेकिन अगर मैंने खेला तो PLAY प्लेड हो गया, मतलब मैंने खेला। मतलब अगर आपको वर्ब का नॉलेज है तो आप सेंटेंस को देख कर ही पहचान जाएंगे कि कौन सा टेंस है ना। तो अभी अपन प्रेजेंट पढ़ रहे हैं इसलिए अपन उस पर बात करेंगे। अब अपन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो प्लेड आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर फोर्थ फॉर्म है तो ing लग जाएगा, PLAYING, प्लेइंग, खेल रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। बट लास्ट होता है आपके पास प्लेज। देखो इट मीन्स इसको पढ़ना आपको बहुत जरूरी हो जाएगा। अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम यहाँ पे लगा करके पढ़ लेते हैं एस और ई एस, ये भी ठीक है, बट इसको इस तरह से याद करेंगे तो कंफ्यूजन ही नहीं होगा। ऐसे भी पढ़ा जा सकता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, बेस फॉर्म में एस और ई एस लगा लेते हैं,
तो ऐसे भी पढ़ा जा सकता है और ऐसे पढ़ेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर वर्ब आपने इस तरह से याद करी है तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। इसलिए इसके पहले जब वर्ब पढ़ो तो पांचों फॉर्म में पढ़ना, तो गलती नहीं होगी, क्योंकि कहीं पे आपको एस लगाना है, कहीं पे आपको ई एस लगाना है, ठीक है। अब मैंने बताया आपको, वापस आते हैं तो यहाँ पे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है मतलब क्या आएगा, आपका प्ले आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी क्या होगा, एस वाला आ जाएगा, प्लेज आ जाएगा। यहाँ तक की क्लियर हो गया हो तो अपन आगे बढ़े, इसको अपन कुछ एग्जाम्पल में ले लेते हैं, है ना। यहाँ तक की कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब अपन आगे आते हैं। इट टेक्स सिंपल टेंस को यूज किया जाता है टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन। मैंने बताया कि वह रोज फुटबॉल खेलता है, वह रोज फुटबॉल खेलता है, इट मीन्स उसकी आदत है ये, रोज फुटबॉल खेलता है, इट मीन्स उसकी आदत है, यानी ता आया। देखो है आने के बाद भी हम यहाँ पे इज नहीं लगा रहे हैं, यहाँ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन फिर वही ध्यान देंगे, ये हमारा आई है और ये हमारा ही है। मैंने अभी आपको बताया कि ये जो चारों सब्जेक्ट होते हैं उनमें हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे। इसलिए देखो अपन ने यहाँ पे क्या लिखा है, प्लेज लिखा है। अगर मैं यहाँ पे लिखती शी तो क्या हो जाएगा, शी प्लेज, या अपन दूसरा वर्ब ले लें तो शी रीड्स न्यूज़पेपर, शी रीड्स अ न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर पढ़ती है, वो रोज न्यूज़पेपर पढ़ती है। इट मीन्स कि वो उसके आदत में है कि वो रोज काम कर रही है, हैबिचुअल काम, मतलब आपका कोई उससे लेना देना नहीं, मतलब आपका काम है तो आप करते रहते हो, मतलब आप कंटिन्यू हुआ आप उस प्रकार से, है ना। तो ये वाला हो गया। लेकिन वहीं पे देखो, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब आई क्या है, भले ही मैं अकेली हूँ लेकिन इसे अपन ने प्लूरल सब्जेक्ट में रखा गया है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब भी कौन सी लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी। तो ये जो बेस फॉर्म होती है, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, तो क्या यहाँ पे एस लगाया क्या अपन ने, नहीं लगाया, क्योंकि हमें कौन सा सिंगुलर वर्ब कहाँ लगना है, केवल सिंगुलर सब्जेक्ट में लगना है ना, यहाँ पे लगाएंगे। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं, है ना। जैसे आई तो हो गया, ही भी हो गया। अब हम अगर वी सेलिब्रेट, अगर वी देखेंगे, इसमें से एक सब्जेक्ट और ले लेते, वी सेलिब्रेट दिवाली, हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं विद पॉम्प एंड शो। पॉम्प एंड शो मतलब बहुत धूमधाम से, पॉम्प एंड शो मतलब बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। इट मीन्स भले ही वो साल भर में एक बार त्योहार आ रहा है, फिर भी तो हम उसे मनाते हैं, उसे सेलिब्रेट करते हैं। तो वहाँ पे भी हम यूजुअली करते हैं ना, एवरी ईयर करते हैं ना, तो वहाँ पे भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, भले ही हम सब लोग हैं, है ना। यानी प्लूरल के साथ में अपन ने सिंगुलर वर्ब लगाए और सिंगुलर के साथ में अपने सिंगुलर वर्ब लगाए, ठीक है। तो पहला यूज क्या बताया मैंने, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन। मतलब जैसे अगर आपको डेली रूटीन बोल रहे हैं, ठीक है तुम रोज क्या करते हो, सो आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आफ्टर आई गेट अप, देन आफ्टर आई ब्रश टीथ, देन आफ्टर आई टेक बाथ, देन आफ्टर आई कुक फूड, देन आफ्टर आई वॉश डिशेस, इस प्रकार से। यदि मैंने पूछा वो क्या करती है रोज, तो फिर वो क्या, वो क्या करेंगे, वो कौन है, सिंगुलर है, किसके लिए, लड़की के लिए। ये देखो, लड़की के लिए शी, लड़के के लिए ही, इट किसी नॉन लिविंग के लिए, इट किसी प्लांट के लिए, इस किसी एनिमल के लिए इसको यूज कर रहे हैं, और किसी लड़की का नाम है तो भी हम कर लेंगे, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं अपन, तो अपन ने क्या करना है, ही शी इट के साथ में एस लगा देना है वर्ब की, और नहीं तो अदरवाइज हम क्या करेंगे, एस और ई एस नहीं लगाएंगे, सिंपल चल रहे, ठीक है। कहाँ के लिए, यू। अब मैंने बोला कि वो रोज क्या करती है या रोज वो क्या करता है, तो बोलेंगे ही प्लेज फुटबॉल, ही बैक्स अ प्लेट, ही बैक्स अ प्लेट। अगर हम करेंगे इसके लिए तो हम करेंगे ही बैक्स अ प्लेट, वो लेट उठता है, ही बैक्स अ प्लेट, है ना। फिर बोलेंगे ही कुक्स फूड, वो खाना बनाता है, वो खाना बनाता है। इट मीन्स सिंगुलर के साथ में अपन एस लगा रहे हैं और प्लूरल के साथ में एस और यस नहीं लगा रहे हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं अपन। तो अब जैसे प्लांट ग्रो, प्लांट बढ़ता है तो हम क्या करेंगे, इट ग्रोज, इट ग्रोज, ये बढ़ता है, नाइसली बोल दो, या फिर बहुत अच्छे से बढ़ता, नाइसली बढ़ता है, नाइसली बढ़ता, बहुत अच्छे से बढ़ता है, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट, इट टेक्स ऑलवेज सिंगुलर वर्ब, इट टेक्स ऑलवेज प्लूरल वर्ब, ठीक है।
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, आपको मैं बार बार समझाती हूँ कि अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना पड़ता है, और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लेनी पड़ती है। सिंगुलर वर्ब मतलब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएंगे। अब दूसरा यूज करते हैं हम, ये क्या होता है, पहला यूज तो आपको हैबिचुअल हो गया, तो अगर इसको एक बार और देख लेते हैं कि भाई उसकी डेली रूटीन बताना है तो बोलेंगे ही वेक्स अप लेट, ही ब्रशेस डेली, एंड देन आफ्टर ही कुक्स फूड, ही प्लेस फुटबॉल, ही रीड्स अ बुक, और एक पुस्तक पढ़ता है, ही राइट्स, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, ही गोज टू स्कूल। देखो मैंने यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स भी बताया है, लास्ट में मैं इसको लुक आऊंगी। अब एक एग्जाम्पल आपके लिए देती हूँ मैं यहाँ से। अब देखो ये मिस्टर सिंह कौन है, सिंगुलर है ना, तो अगर मैंने बोला हिज वर्क इन टाइम, वो उसका काम करता है इन टाइम मतलब समय के पहले, तो यहाँ पे मैंने लिखा फिनिश और फिनिशेस। ठीक है, अब जब मैंने इसको फिनिश लिख दिया है और फिनिशेस लिख दिया है, तो मैंने अभी आपको बताया है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर वर्ब लेता है, तो ये मिस्टर सिंह कौन है, सिंगुलर है। अब जब सिंगुलर है तो ये वर्ब तो फिनिश लगेगा कि फिनिशेस लगेगा, ये वर्ब के सेम टाइम पढ़ा दिया मैंने कि एस कहाँ लगेगा, एस कहाँ लगेगा। ठीक है ना, अगर आपको नहीं पता तो उसको थोड़ा सा जा करके देख ले। तो अगर अपने पास देखो मिस्टर सिंगल लगे तो हम क्या करेंगे, फिनिशेज, वो उनका काम करते हैं इन टाइम, क्या काम करते हैं इन टाइम करते हैं, वो उनका काम करते हैं इन टाइम, कैसे करते हैं, वो कंप्लीट कर लेते हैं, फिनिश कर देते हैं उनका टाइम इन टाइम में कर देते हैं, मतलब समय के पहले में कर देते हैं, जो उनका टारगेट टाइम दिया है उसमें वो कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे देखेंगे शी फूड, शी ब्लैंक फूड, कुक है, कुक्स है, खाना बनाती है। अब जब खाना बनाती है तो शी कौन सा है, शी कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या बताया मैंने, एस लगना है, वो भी कब, केवल केवल प्रेजेंट सिंपल टेंस में, है ना। चलो ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने क्या लगा देना है, कुक्स लगा देना है। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे आई आ गया है, आई भले ही वो एक सिंगुलर पर्सन के लिए बोल रहे हैं लेकिन आई एक एक्सेप्शन होता है, तो आप बताइए आई फूड, मैं बनाता हूँ, कुक आएगा कि कुक्स आएगा, ऑब्वियसली आई अपन स्पेशली अलग चीज है, तो इसलिए हम इसको कुक्स ना बोल करके हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, कुक, आई कुक फूड, मैं बनाती हूँ। देखो कितना सा डिफरेंशिएट है, बहुत जल्दी डिफरेंशिएट कर पाया, यहाँ कुक्स लगाया है शी के साथ, यहाँ आई के साथ एस नहीं लगाया है, है ना, ऐसी छोटी छोटी अक्षर। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, शी ऑफन, वो अक्सर अस इन द इवनिंग, विजिट अस, वो विजिट करती है हमारे घर, आती है मतलब मॉर्निंग में, इवनिंग में वो आती है, विजिट अस मतलब वो हमारे यहाँ आती है, इसका मीनिंग ये हुआ, तो विजिट यानी आना, तो ये विजिट भी है और ये विजिट्स भी है, एस भी लगा हुआ, लेकिन शी किसके लिए है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर पर्सन के लिए, तो विजिट आना चाहिए कि विजिट्स आना चाहिए, विजिट्स आना चाहिए, ठीक है ना, विजिट्स, ओके ठीक है, तो यहाँ पे ये विजिट ठीक होगा, विजिट्स होगा, विजिट इनकरेक्ट होगा, ठीक है ना। तो ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को उसको पढ़ना, इंग्लिश में स्पोकन में कभी बोल दिया तो ठीक है, मिस्टेक हो जाती है, छोटे मोटे एरर तो चलते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखो एक छोटा सा अब हम एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा वाला, ठीक है, तो यहाँ तक के तो मुझे लगता कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब दूसरा देखते हैं, टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ। अब जनरल ट्रूथ, ट्रूथ इन द सेंस कि मतलब ऑब्वियसली जो होना ही होना है, सूर्य निकलता ही निकलता है, डूबता ही डूबता है, वर्षा होती होती है, बादल आ गए हैं तो वर्षा होनी ही होनी है, अगर मैंने बर्फ को जमाई है और 0 डिग्री सेल्सियस है तो वो बर्फ जमना ही जमना है, तो ये जो काम होते हैं, शाम को चंद्रमा निकलता ही निकलता है, वर्षा के बाद में ठंड आती है, ठंड के बाद गर्मी आती है, मतलब ये एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है। फिर ये हमारी अर्थ जो है अराउंड घूमती घूमती है ना, रिवॉल्व होती ही होती है, तो इट मीन्स जो काम यूजुअली होते ही होते रहते हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जिनके आगे हमारा कोई बस नहीं है, वहाँ पे भी हम सिंपल सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, वहाँ हमें जरूर एस और यस का ध्यान, जैसे अर्थ, अर्थ सिंगल है तो हम बोलते हैं ना रिवॉल्व, घूमती है, उसकी अराउंड घूमती है,
सन राइजेस, सन उदय होता है, हर दिन सुना होगा तो ऐस क्यों लगता है? ये इसलिए कि जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ है उसमें हम सिंगुलर और सिंगुलर पर्सन है तो सिंगुलर ही लगाते हैं, तो मोस्ट ऑफ टर्म तो एस ई एस लगते हैं, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि वहाँ पे यहाँ पे क्यों लगा हुआ ऐसा, है ना। तो उसका भी कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको लेंगे, सेम वही चीज है कि ये सिंगुलर टेंस वो लेंगे और वो प्लूरल लेंगे। चलो आगे बढ़ जाते हैं अपन, अब इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या बताया कि जो पृथ्वी होती है या सन होता है एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ, तो सेकंड वाले का देखेंगे। जैसे हम बोलते हैं ना अर्थ, ई आर टी एच, अर्थ क्या करती है, जैसे बोलेंगे रोटेट्स, रोटेट्स करती है ना, रोटेट्स, रोटेट करती है, फिर राउंड्स करती है ना। तो अर्थ के साथ में हम सिंगुलर है इसलिए हम क्या करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट ले लेंगे। फिर अपन ने बोला कि सन, सन क्या करता है, रोज उगता है, सन राइजेस, सन राइजेस, सन राइजेस इन द, इन द ईस्ट, सन राइजेस इन द ईस्ट। सन कहाँ पे निकलता है, सूर्य से निकलता है, पूर्व से निकलता है, अग्र पूर्व में निकलता है। तो ये क्या हो गया, एस का हमने ई एस लगा दिया, सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ है उनके आगे अपन एस लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। और यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सन क्या है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट हो गया, अब अपने वाला अर्थ रिवॉल्व, तो देखो ये वाला जो है ना, ये यहाँ एस लगा था, यहाँ ई एस लगा दिया, रिवॉल्व अराउंड द सन। इट मींस कि पृथ्वी जो है वो कहाँ घूमती है, सन के अराउंड घूमती है। इट मींस अर्थ भी तो एकदम है, सिंगल है और यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ट्रूथ की जगह पे आपको हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब वहां पे भी अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होती है। देखो सन सिंगुलर, अर्थ सिंगुलर, मून सिंगुलर, मून के आगे भी देखेंगे, मून अपीयर्स ब्राइट, मून दिखता है, कैसा दिखता है, या अपीयर होता है मतलब प्रकट होता है, ब्राइट कैसा होता है, ब्राइट दिखता है इन द स्काई, आकाश में, रात में, रात में कैसा दिखता है, चमकदार दिखाई देता है। इसमें तातादी का सेंस सबको समझ में आ रहा होगा, अगर आप बहुत हिंदी साइडर से भी सीख रहे हैं तो भी तातादी का सेंस से भी अपन सीख सकते हैं। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी उबलता है किस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है ना। यहाँ पे भी अपन ने क्या लगाया, एस लगा दिया, ठीक है। इट मीन सिंगुलर सब्जेक्ट। तो जहां यूनिवर्सल ट्रुथ की बात आती है वहां पे भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। दोनों अब आपको समझ में आ गया होगा, ये सभी सिंगुलर है। आगे देखेंगे तीसरा अपना पढ़ता है इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बिगिनिंग। क्या होता है, कई बार क्या होते हैं, बहुत सारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं ना ऐसे करने वाले। तो जैसे बोले कि हियर देयर, जहाँ पे यूज होते हैं बिगनिंग में, जैसे अपन ने बोल दिया कि विद हियर एंड देयर जहाँ पे होता है, तो अपन क्या बोलेंगे, बस कम्स हियर। जैसे अपन ने बोला हियर बस कम्स, तो यहाँ पे मैंने बोला कि ये हो जाएगा हियर बस कम्स, यहाँ बस आती है, बस तो क्या है सिंगुलर, हियर बस कम्स, तो हमने बोला कि बस आती है यहाँ पर। तो इसके साथ भी हम यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी देख के आपको घबराना नहीं, क्या होता है, हम इंग्लिश सीखते हैं तो सारे सब्जेक्ट के साथ सीधी सीधे तो सीख लेते हैं कि आई के साथ ऐसे लगाते हैं, यू के साथ ऐसे लगाते हैं, बट शी के साथ और ही के साथ लगाते हैं। लेकिन जब इस तरह की बातें आती है तो वहाँ पे अपन अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं ना। स्कूल रीओपन्स, ऐसा बोलते हैं ना रीओपन्स, तो वहाँ पे भी अपन घबराते। ऐसे देखो एक एग्जांपल और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था कि जैसे कि हियर और देयर आ गया, देयर बॉय कम, बॉय कम्स, देयर यहाँ, यहाँ पे देयर बॉय कम्स, वहां पे आते हैं, तो यहाँ पे भी इस तरह से लिखा रहता है तो वो वहां पे कंफ्यूजन नहीं लेना। इस तरह से जब लिखा हो तो वहां पे भी अपन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं, वहां पे भी हमें क्या लगाना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाना है। फिर आगे अपन देख लेंगे टू एक्सप्रेस फ्यूचर इवेंट। अब क्या होता है, अक्सर आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा कि भाई जैसे कि कोई इवेंट होने वाले, जैसे अभी चुनाव होने वाले हैं ना, तो चुनाव होने वाले को अबाउट टू कम या अबाउट टू अप्रोच ऐसा नहीं आता है ना। तो
सिंपल प्रेजेंट टेंस में मिलता है कि प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर, आते हैं क्या, रोज आते हैं क्या, नहीं आते, लेकिन कम्स आते हैं अभी फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में आने वाले हैं, या स्पीचेस डिलीवर्स स्पीचेस, बहुत स्पीच देते हैं, तो क्या होता है, हमने इस प्रकार के सेंटेंस बहुत देखने में आता है, द मैच स्टार्ट्स एट 9 o'clock, तो ये स्टार्ट होता है, हर दिन होता है। अब समझ मैं यहाँ से बोल रही हूँ कि अभी IPL चल रहा है और अभी हो रहा है, तो स्टार्ट होता है, वहाँ पे विल लगाना है नहीं लगाना है ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि अच्छा ठीक है मैच कब हो रहा है भाई, कब हो रहा है, तो मैच स्टार्ट्स एट 9 o'clock, कब शुरू होता है 9 बजे, मतलब अभी होने वाला है, स्टार्ट 9 o'clock, तो इस तरह से ही आपको दिखेगा, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे विल नहीं लगा, मतलब नियर फ्यूचर के लिए भी वहाँ पे अपन प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं, करते हैं। द ट्रेन लीव्स एट 5 o'clock, अब जैसे हम प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए हैं फिर भी वहाँ हम वेट कर रहे हैं, हमें पता है कि ट्रेन अभी आने वाली, फिर भी हम वहाँ पे यही कहते हैं कि ट्रेन लीव्स एट 5:30, एट 4 o'clock, एट नाइट, है ना, बोलते बोलते हैं, तो वहाँ पे भी हम नियर फ्यूचर के इवेंट में भी हम यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। When does the school reopen? हाँ, ये भी देखो, यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल दी जाएगा, When does the school reopen? स्कूल कब reopen होगा, है ना, कब होता है reopen, मतलब फिर से खुलेगा, जैसे अभी 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 मई में खत्म हो गए हैं स्कूल, अब फिर से reopen होगा, तो अब ऐसे ही बोले ना, when will be reopen your school, कब होगा, तब अपन ऐसा ना कहे कि when does the school reopen भी बोलेंगे तो भी वो बिल्कुल सही है, इसलिए वहां पे अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, मतलब नियर फ्यूचर में, यहाँ पे हम इंट्रोगेटिव के साथ कर रहे हैं तो भी हम उसका यूज वहां पर कर सकते हैं, जैसे बोलेंगे ना, डस द स्कूल रीओपन, डस स्कूल रीओपन होता है, यस आर स्कूल रीओपन, तो वहां पे हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ में भी या WH फैमिली मेंबर के साथ भी इस प्रकार का सेंटेंस अपना बनता है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही बनेगा। आगे देखेंगे, फिर है कोटेशन, आपने अक्सर सुना होगा ना कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, या फिर जो बहुत ही कोटेशन होते हैं अक्सर होते हैं कि नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो, तो ये हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखे जाते हैं। स्पीक द ट्रुथ, सच बोलो, है ना, जो छोट कोटेशन होते हैं वो अक्सर आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होते हैं, जैसे किसी और ने भी कहा, जैसे एक एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे, एवरीवन नोज, हर कोई जानता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो भी उसको हम ये नहीं बोलेंगे हर कोई जानता है कि ऑनेस्टी बेस्टेस्ट पॉलिसी, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, वो सिंपल सेंटेंसेस में ही उसको बोलेंगे, एवरीवन नोज मतलब हर कोई जानता है, यहाँ पे सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही एवरीवन नोज मतलब, ये देखो फिर से, एवरीवन हर कोई, हर एक के साथ में एक व्यक्ति, मतलब नो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग आता, नो के साथ अपन ने एस लगा दिया है। अब देखो, एक कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, यहाँ पे दिख नहीं रहा इसलिए मैं यहाँ लेंगे, कंडीशनल सेंटेंस होते हैं ना, जैसे कि होते हैं कि पहला वाला होता है इफ ही रीड्स, यदि वो पढ़ता है, यदि वो पढ़ता है तो ही विल पास, तो अभी कंडीशनल सेंटेंस होगी कि वो पास होगा, तो हमेशा ध्यान रखना, भले ही यहाँ पर आपने विल पास, वो पास होगा, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो सेकंड क्लॉज हो, यदि वो विल है, तो जो पहला वाला जो क्लॉज होगा वो हमेशा काय में आएगा, सिंपल सेंटेंसेस में ही आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आएगा। ही विल वेट, वो वेट करेगा टिल आई फिनिश द वर्क, ही विल वेट, अब जैसे यहाँ पे आ गया, यदि ये सेंटेंस ऐसा हो गया, ही विल वेट, वो वेट करेगा, ठीक है ना, यहाँ तक, तब तक आई फिनिश द वर्क, कब तक, तक आई या अंटिल आई फिनिश, आई फिनिश द वर्क, आई फिनिश द वर्क, आई फिनिश द वर्क, तो यहाँ पे विल आया, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे भी आएगा कि जब तक वो वेट करेगा, जब तक आई विल फिनिश, मैं करूंगा तब तक कि वेट करूंगा, ऐसा नहीं, पहला वाला क्लॉज या एक क्लॉज यदि विल में है तो सेकंड वाला क्लॉज कभी भी विल में नहीं आएगा, वो हमेशा हमेशा के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही आता है। इफ ही कम्स, यदि वो आता है, आई विल गो,
इफ ही कम्स, यदि वो आता है तो आई विल गो, तो मैं जाऊंगा, देन ओनली आई विल गो, तभी मैं जाऊंगा. इट मीन्स पहला वाला जो क्लॉज होगा इफ के साथ वाला, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आएगा, ठीक है ना. तो यहाँ पे भी इस तरह से कोई आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, वहां पे भी इन शब्दों का यूज, इन सेंटेंसेस का यूज कर सकते हो, बेटा टोटल, है ना. तो अब यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. अब हम इन सब के साथ में थोड़ा सा काम कर लेते हैं. यहाँ पे देखेंगे, अगर मैंने बोला इफ यू ब्लैंक हार्ड यू विल पास, यदि तुम हार्ड करते हो, कोई काम करते हो एग्जाम, तो यू विल पास द एग्जामिनेशन. तो यहाँ पे वर्क आ सकता है या वर्क आ सकता है, बताइए जरा. यदि ये यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो अपने वहां पे लाएंगे इफ यू वर्क हार्ड, यहाँ पे क्या आएगा, केवल वर्क. लेकिन यहीं पे यदि कोई और सेंटेंसेस हो जाता है, इफ शी हार्ड शी विल पास, ये लिखा वो पास होगी, पास हो जाएगी, ठीक है ना. तो यहाँ पे तो हमने वर्क से काम चला लिया, क्योंकि ये यू क्या है, हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आएगा शी वर्क्स. आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा, ट्राई कर रही हूँ मैं, कोशिश कर रही हूँ. चलिए अब रवि, यहाँ तो मैंने बता दिया था, अब रवि गो टू मार्केट आएगा या रवि गोज टू मार्केट आएगा. रवि कौन है, सिंगुलर पर्सन है, तो हमेशा सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, अपन सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, रवि गोज टू मार्केट, ठीक है ना. यहाँ तक कि बहुत आराम से मैंने समझाने की कोशिश की है. अब मैं थोड़ा सा लंबे सेंटेंसेस के हिसाब से कुछ एग्जाम्पल आपको करवा देती हूँ, तो आप उसमें कभी नहीं गलती करोगे, ठीक है. ये सब के साथ में हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं और फिर हम उसको पढ़ेंगे. देखिए, यदि मैंने बोला है कि आई कुक फूड डेली, आई कुक फूड डेली, हाँ, ये मैंने सिंपल सेंटेंसेस में दे दिया, ठीक है. अब यदि मैं बोलती हूँ यू यू राइट अ लेटर, तो अब मैंने यहाँ पे लिखा है राइट और यहाँ लिखा है राइट्स, अब आप बताइए क्या आएगा और क्यों आएगा. तो ये यहाँ पर आ जाएगा राइट, है ना. क्यों राइट आ जाएगा, क्योंकि यू क्या है, हम प्लूरल सब्जेक्ट में लेते हैं राइट, ठीक है ना. लेकिन यहाँ पे मैं अब लगा रही हूँ ही वह एक पुस्तक पढ़ता है, ठीक है ना. अब ये वाली जो वर्ब दे दी है, तो आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, बिल्कुल. तो रीड्स कौन सी हो गई, सिंगुलर वर्ब हो गई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रीड्स आ जाएगा. कैसे समझना है, इससे समझना. अभी इसी का मैं निगेटिव करके बताऊंगी, बहुत ध्यान से समझेंगे अपन. फिर लिखा दिया अपन शी प्ले शी मोबाइल, ठीक है ना. तो यहाँ पे आ गया वॉच एंड वॉचेस, सी वॉचेस शी वॉच, है ना, ठीक है. अब यहाँ पे देखेंगे, अब ये शी कौन है, सिंगुलर है, ठीक है ना. अब हमने यहाँ पे सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब भी आना चाहिए, वॉच, ठीक है ना. वॉचेस वो देखती है, मोबाइल देखती है, ठीक है. अब यदि मैंने आपको दे कर दिया, दे फुटबॉल, फुटबॉल वे फुटबॉल खेलते हैं, तो मैंने लिखा प्ले और प्लेज, तो बताओ क्या आना चाहिए, प्ले आना चाहिए. क्यों आना चाहिए बताइए जल्दी से, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है ना, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट है. अब यदि हम इसको निगेटिव करते हैं, तो हम इसको थोड़ा सा निगेटिव भी सीखना जरूरी है. देखो ये वाला जो है, तो हमेशा ध्यान में रखना इसका, हमें थोड़ा फॉर्मूला, अब कम टू द पॉइंट आते हैं कि ये तो समझ लिया, अब हम इसको फॉर्मूला वाइज कैसे पढ़ते हैं. तो अगर आपको पूरा फॉर्मूला देखना है, तो ये लिखते हैं सब्जेक्ट, ये सारे क्या है आपके सब्जेक्ट, फिर ये सब आपके पास आते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ये लिख लो, या ऐसा ना करके वर्ब का बेस फॉर्म प्लस एस और ई एस ये लिख लो, इस तरह से भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, है ना, ठीक है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब आ जाएगा. अब ध्यान रखना है आपको,
एस और यस यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं तो वहां पे आपको थोड़ा सा अंतर लगाना पड़ता है। वहां लगाना पड़ता है सब्जेक्ट प्लस डू और डस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वहां पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वहां टोटल और टोटल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए और फिर आपके पास ऑब्जेक्ट आना चाहिए। और ये निगेटिव आएगा डस के बाद में नॉट आ जाएगा और फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आपकी ऑब्जेक्ट बटवाते। हाँ तो आई कुक का क्या हो जाएगा, निगेटिव बनाएंगे तो आई डू नॉट कुक फूड। कुक फूड, आई डू नॉट कुक फूड, मैं खाना नहीं बनाती हूँ। लेकिन वहीं पे अगर यू के साथ आएगा फिर हम वही लगाएंगे, आई डू नॉट कुक फूड, मैं खाना नहीं बनाती हूँ। लेकिन ही शी क्या है आपके सिंगुलर। मैंने अभी बताया आपको कि यहाँ पे जो डू लगता है वो लगता है आपका आई यू दे और वी के साथ लगेगा, और डज लगेगा आपका आई सॉरी ही शी इट और कोई नाम, ठीक है ना, ऐसा नाम दे दिया उसके लिए। अब आपको देखो इसको ऐसे ट्रिक से याद कर लेना कि भाई देखो अपन ने यहाँ एस लगाया तो अपन लगा देंगे यहाँ डज, लेकिन रीड वैसे की वैसे लगेंगे, ही डज नॉट रीड अ बुक, मतलब वो पुस्तक नहीं पढ़ता। तो जहां पे हमने एस लगाया था वहां हम निगेटिव में डज हेल्पिंग वर्ब लेंगे, लेकिन जहां हमने एस नहीं लगाया था वहां हम उसमें डू लगाएंगे। ठीक है, चले आगे देखेंगे। शी है तो शी के साथ क्या आना चाहिए, डज आना चाहिए। इन सब के साथ भी क्या आ रहा है, डज। तो शी बेटा शी डज नॉट वॉच, अब देखो वॉच यहाँ पे हम यस नहीं लगाएंगे, एस या यस नहीं लगाएंगे, ही डज नॉट वॉच अ मोबाइल, वॉच अ मोबाइल, वो मोबाइल नहीं देखती है, है? ठीक है ना। लेकिन ये दे आ गया, दे आ गया तो दे क्या है आपका प्लूरल, दे के साथ अपन ने क्या लगाया है डू, तो दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, है ना। लेकिन वहीं पे अगर अपन इसके इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो सेम कुछ भी नहीं करना है वहां पे अपने को, इंट्रोगेटिव में लिखते समय यहाँ पे अपने को डू आई सब्जेक्ट के पहले अपने डू और डस की लगा लेंगे, डी डस, इसको मैं फिर से लिख के बता देती हूँ। अब देखेंगे कि अगर अपन इंट्रोगेटिव की बात करते हैं जहां से हमें प्रश्न पूछना है तो वहां हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, ये जो डू और डस जो हेल्पिंग वर्ब ली थी उसे अपन कहां लिख दे रहे हैं, यहाँ पे सामने लिख दे रहे हैं। सामने लिखने के बाद में एक छोटा सा अंतर और करना है कि हमें यहाँ पे क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो डू आई कुक फूड, देखो डू जो हम प्लूरल के साथ पे हम डू लगा रहे थे तो सेम वही करना है, डू आई कुक फूड, क्या मैं खाना बनाता हूँ, तो हमेशा हमेशा आंसर आपका यस और नो में चला जाएगा, यस और नो में चला जाएगा। Do you play football? Yes, तुम खेलते हो क्या फुटबॉल, रोज खेलते हो क्या, नहीं खेलते हो तो बात, अगर आपको रोज नहीं भी लगाना तो भी वो समझ जाएगा कि आप यूजुअली बात कर रहे हैं। Do you play football? Yes or no लगा के काम चल जाएगा। Does she reads? अब देखो she और he क्या बताया मैंने, सिंगुलर, तो इसलिए इट मीन्स वहां पे आपका does ही हेल्पिंग लगे क्योंकि he does not कर रहे थे वहां पे। तो does she read a book? Does she read a book मतलब क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने does लगाया था negative करने के लिए और singular subject की verb हमेशा subject की verb भी singular होगी। Does she read a book, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है यहाँ पे double से s नहीं लगाना है, हम already यहाँ पे does लगा चुके हैं, हम already यहाँ पे does not लगा चुके हैं, तो यहाँ पे भी नहीं लगाना है और यहाँ पे भी नहीं लगाना है, केवल आपको डज करने से काम चल जाएगा, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है हमेशा हमेशा। डज शी रीड्स, डज शी रीड अ बुक, क्या वह पुस्तक पढ़ती है। डज ही राइट हिज पोएम, क्या वह उसकी पोयम लिखता है, है ना, क्या वो उसकी पोयम लिखता है,
यहाँ तो आपको यस और नो में आंसर देने से काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने प्रश्न पूछा है। अब एक चीज और कॉमन ध्यान दो, मैंने पूछा कि क्या वो करता है, क्या वो पढ़ता है, क्या लिखता है, तो यहाँ पे कहीं पे भी व्हाट शब्द आया है क्या? बिल्कुल नहीं आया। इट मीन्स जब हमको यस और नो देना है तो हमें कोई भी डब्ल्यू एच फैमिली का मेंबर नहीं लगाना है, यस और नो से काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपको और लेंथी क्वेश्चन देना है, वाई लगाना है, वाई डू यू कुक फूड, वाई डू आई कुक फूड, व्हेन डू आई कुक फूड, वेयर डू आई कुक फूड, हाउ डू आई कुक फूड, हाउ डज शी रीड, तो कुछ भी नहीं करना है। बहुत इजी ट्रिक बता रही हूँ, इसके आगे में आपको डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर लगा देना है। कैसे लगाएंगे एक बार देखेंगे। मैंने सपोज वाई ले लिया है ना, तो why do I cook food, मैं खाना क्यों बनाती, आपको कोई रीजन देना है क्यों बनाती हूँ। why do you play football, तुम फुटबॉल क्यों खेलते हो। when does she read a book, वो पुस्तक कब पढ़ती है। why does she read a book, वो पुस्तक क्यों पढ़ती है। why does he write his poem, वो उसकी कविता क्यों लिखता है। ठीक है, अब यदि हम इसको y को यहाँ से रिमूव कर दें, सपोज अपने को टाइम पूछना है तो when लगा दो, यहाँ पे when लगा देंगे। when do I cook food, मैं खाना कब बनाती हूँ। when do you play football, तुम फुटबॉल कब खेलते हो। when does she read a book, वो पुस्तक कब पढ़ती है। when does he write his poem, वो उसकी poem कब लिखता है। ठीक है ना, तो बिल्कुल भी गलती नहीं है, सभी डब्ल्यू एच फैमिली के, इसको मिटा मिटा के इसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस प्रकार से हम निगेटिव इंट्रोगेटिव के साथ काम कर सकते हैं। और कहीं पे भी आपको यदि प्रेजेंट सिंपल टेंस दिखता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो वहाँ पे लग जाता है। जब अक्सर हम कोई चीज़ का न्यूज़पेपर वगैरह ज़्यादा होता है तो वहाँ पे होता है कि वो लिखती है, वो जाती है, तो वहाँ पे कंफ्यूजन आता है कि कैसा आ रहा है। वहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। यदि कोई कंडीशनल सेंटेंस है तो वहाँ पे आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमेशा वहाँ प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। सिंपल वाले में तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन एस और ईएस वाले में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। बट मुझे उम्मीद है गाइस कि अगर इस वीडियो को आपने बहुत अच्छे से देखा होगा तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको नहीं समझ में आता तो उसको बार बार पॉज करते जाओ, बार बार लिखते जाओ, कोशिश करिए समझने की। एक बार दो बार पॉज करते हैं तो समझ में आ जाता है। और उसके फिर बहुत सारे सेंटेंसेस बनाओ कि वो करती है, मैं नहीं करता हूँ, वो ऐसा। कई बार डिफ्रेंशिएट करो, कई बार नॉर्मल लिखते चले जाओ कि आई डू और शी डज ही डज, ऐसे बार बार लिखने से प्रैक्टिस हो जाती है। वैसे भी कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।